सो बोट निर्वाणा 751 ANC बताऊंगा मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया इतने महीनों के यूज के बाद इसमें, और उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है क्लिक करना वहाँ पे। तो निर्वाणा 751 कुछ महीने पहले कुछ एक्साइटिंग फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था, लाइक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, एम्बियंट साउंड मोड, अराउंड 65 hours प्ले टाइम, फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है, वॉइस असिस्टेंट फीचर भी सपोर्ट करता है, और डुअल कंपैटिबिलिटी मोड भी, तो ये वायरलेस प्लस ऑक्स दोनों ही सपोर्ट करता है। इसके अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलता है मैंने इस वीडियो में बना रखा है, अगर आप मेरे फर्स्ट इंप्रेशन देखना चाहते हो वो भी काफी बढ़िया वीडियो थी, तो ये आई बटन है यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें अनबॉक्सिंग पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे अभी तक इसकी बिल्ड क्वालिटी में क्या अच्छा लगा। इस हेडफोन्स के ईयरबड्स एक फाइन प्लास्टिक से बने हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है, हाथों में लेने में काफी प्रीमियम फील होता है। हेडफोन के हेडरेस्ट और साइड एडजस्टिंग कनेक्टर सब मेटल से बने हुए हैं। इस हेडफोन में जो ओवरहेड और ओवर ईयर कुशनिंग है वो काफी सॉफ्ट है, मैं काम करता हूँ इसको पहन ही लेता हूँ। ओके लुक्स कूल। इस हेडफोन के कंट्रोलर्स भी काफी एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मटेरियल से बने हुए हैं, तो ओवरऑल बिल्ड इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रस्ट मी, मैंने इसको काफी रफली यूज किया इन 5 महीनों में, ट्रस्ट मी कोई भी इशू फेस नहीं किया इस हेडफोन में। नाइस वन बोट। बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। निर्वाणा 751 तीन डिफरेंट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, इसके कलर कॉम्बिनेशन काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगते हैं इसके बजट के हिसाब से। हेडफोन्स रोटेटिंग ईयर मफ्स के साथ आते हैं और मोर देन डिसेंट कम्फर्ट आपको ऑफर करते हैं, और काफी अच्छा नॉइज आइसोलेशन भी मिल जाएगा आपको, मतलब मैं तो बिना ANC ऑन किए भी नॉइज बार के ज्यादा सुन नहीं पाता हूं। तो इस हेडफोन का ओवरऑल बिल्ड एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, लाइक आपको इसको देख के लग रहा है 5 महीने यूज हुआ है। अब बात करते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो निर्वाणा 751 40mm ड्राइवर सपोर्ट करता है, जो कि एक सही क्वालिटी का साउंड आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। वोकल्स, मिड्स, हाई और इंस्ट्रूमेंट के सेपरेशंस डिसेंट है, बेस बहुत अच्छा है, पास नहीं होता, बेस नहीं होता। मैं गूगल पे ही करके आपको सुना देता हूँ क्या कहते हैं, बेस। मतलब बहुत कमेंट्स आया था कि मैं गलत कह रहा हूँ, एंड दे वर राइट। बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। ये हेडफोन में डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है, बट गेमिंग साउंड का आउटपुट काफी सही है, मतलब साउंड की डिटेलिंग काफी एक्यूरेट होती है, मतलब पबजी मोबाइल या फिर पीसी खेलते वक्त फुटस्टेप्स वगैरह ऑडिबल है, मतलब एनिमी के लोकेशंस काफी इजीली पता चल जाते थे मुझे। लेटेंसी का इशू कभी कभी आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम चल जाता है। अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की। तो इस हेडफोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट है, ऑफकोर्स इस हेडफोन के माइक इंडोर कॉलिंग में आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और आउटडोर कॉलिंग में एक डिसेंट परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की। तो निर्वाणा 751 आपको 65 hours का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड कर सकता है एट नॉर्मल मोड, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन के साथ अराउंड 50 hours, और ट्रस्ट मी इसके 10 मिनट के चार्ज पे आपको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम तो आराम से मिल जाएगा, बट आपका चार्जर एडाप्टर भी फास्ट होना चाहिए थोड़ा। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जिसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। कनेक्टिविटी फास्ट है, हर बार नहीं रहता, मतलब 10 में से एक दो बार थोड़ा स्लो होता है कनेक्ट, और हाँ ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, जो कि एक बेनिफिट है। और जैसा कि मैंने बताया ये डुअल कंपैटिबिलिटी मोड के साथ आता है, मतलब इसमें आप ऑक्स केबल भी यूज कर सकते हो और वायरलेसली तो कर ही सकते हो। तो मैं अब बताता हूँ कि 5 महीने के यूज के बाद निर्वाणा 751 मुझे किस चीजों में प्रो लगा और थोड़ी पिछड़ी चीजें क्या थी। सबसे पहले प्रोज, इसको आप चाहे वायर के साथ यूज करें या फिर वायरलेसली यूज करें, ये दोनों में ही सही परफॉर्म करता है। बैटरी लाइफ काफी बढ़िया है और ये काफी फास्ट चार्ज भी होता है। अब कुछ कॉन्स, इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है, जो कि अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है। नो आईपी रेटिंग, पर इस हेडफोन के जो ये एरियाज है वो काफी ज्यादा यूज कर से अब उतने स्पॉन्जी नहीं रहे, और गर्मियों में 2 घंटे से ज्यादा अगर आप इसको लगातार यूज करोगे तो पसीने से निपटने के लिए तैयार रहो। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। बोट ने काफी अच्छा क्लेम किया इस हेडफोन के बारे में, बेसिकली हम म्यूजिक वगैरह के लिए हेडफोन लेते हैं और ये अपने बजट के हिसाब से काफी बढ़िया हेडफोन है, मतलब एक बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी आपको एक्सपीरियंस करना है, हेडफोन में एक अच्छा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी हो तो ये हेडफोन काफी बढ़िया है। हाँ ये डेडिकेटेड गेमिंग मोड वगैरह के साथ तो नहीं आता, बट एक एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, और हाँ बिल्ड तो इसका काफी सही है, ट्रस्ट मी मैं बिल्ड पे इसको 9 out of 10 दे सकता हूँ। और अगर मैं 5 महीने के यूसेज पे कुछ शेयर करूँ, ये हेडफोन्स गिरे भी हैं काफी बार, मतलब बहुत ही जोर से गलती से, मतलब धड़कने बढ़ जाती थी कि अंदर कुछ वायर वगैरह उड़ ना गया हो, बट ये हेडफोन अभी तक काफी सही रहा। हाँ एक बार ऑडियो क्वालिटी पे आप सुन लीजिए। अगर ये रिव्यू उस चीज पे है, मैंने जो इसको इतना यूज किया है उसके बाद मैंने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, लेकिन आपको अगर मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जानने हैं और पूरी तरीके से अच्छे डिटेल्ड अनबॉक्सिंग देखनी है तो ये वीडियो देखिए। अदरवाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज फॉलो कीजिए इन 3 रूल्स को, कुछ घाटा नहीं होगा।